और हम बात करते हैं बॉक्स कंटेंट की, तो यहाँ पर ये देखिए ब्राइटनेस है 3500 LM, वोल्टेज है 10 to 30 वोल्ट, लाइफ स्पान 3000 आवर्स, मोटरसाइकिल हेड लैम्प LED है, इस साइड में दिया गया है कैसे फिट करना है। यहाँ पे साइड में कुछ लिखा हुआ है, लाइफ स्पैन 3000 आवर्स एक्सेट्रा। और चलिए इसे खोल लेते हैं। बॉक्स में ये स्पंज को हटा लेते हैं। यहाँ पे हमें मिलता है मैनुअल गाइड, चलिए इसे ओपन करके देख लेते हैं। ये रहा, यहाँ पे कैसे आपको ये पूरा अरेंज करना है वो सब दिखाया है, यहाँ पीछे भी है। ये देखिए यहाँ पे आपको दो क्लिप है, वहाँ से आपको इसे अटैच करना है। चलिए देखते हैं बॉक्स में और क्या है। ये है हमारा लैंप, ये देखिए ये दोनों तरफ से इतना वाइट स्ट्रिप है। यहाँ पे पीछे फैन, एक्सॉस्ट फैन मिल जाता है आपको। यहाँ से इस बोल को ओपन करने से ये देखिए आपका पूरा वायरिंग करवाना होता है। दो निकाल लेता हूँ मैं, ये एक दूसरे से ये ऐसे हो जाएंगे और इसके पीछे आ जाएगा एक वहाँ पे ऊपर लाइट के लैंप में फिटिंग है उसमें जाएगा। तो चलिए मैं आपको इन सब का अरेंज करके दिखाता हूँ, फिर आपको बताता हूँ ये सब कैसे होता है। एज यू कैन सी मैंने पूरी वायरिंग कर दी है, तो आपको मैं दिखाता हूँ कैसे होगा। ये मेन प्लग है, उसको मैंने बीच में से उसकी वायर कट करके मैंने ये सब किया है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक मिनट रुक जाइए। अब यहाँ पे ये देखिए, ये जो प्लग की ऊपर की जो वायर है ब्लू, वो मैंने लाइट की ग्रीन वायर से जोड़ दी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये जो बीच की वाइट वायर है वो लाइट में वाइट दिया हुआ है, तो मैंने उससे जोड़ दिया है। ये बीच में अडेप्टर है लाइट का, भी आप घर पे भी कर सकते हैं अगर आपको आता है तो, वरना बाहर गैरेज में भी करवा सकते हैं ये वायरिंग। मुझे आता था इसलिए मैंने कर दिया। और ये जो नीचे की जो मेन वायर है वो एक बैटरी से जुड़ी हुई होगी, यहाँ पे नीचे देख सकते हैं दो वायर है वो। और ये बीच में अडेप्टर है जिससे आपकी लाइट का बैटरी वो नहीं खाएगी आपकी गाड़ी। तो इन सबको मैं असेंबल कर देता हूँ, इसमें आपकी लाइट ऐसे फिट हो जाएगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पे नीचे और ऊपर दोनों तरफ तीन तीन सेल है लाइट के, तो काफ़ी ब्राइटनेस है। और यहाँ पे एग्जॉस्ट फैन भी दिया हुआ है, तो आपकी लाइट गर्म भी नहीं होगी जल्दी से। यहाँ पर मैं इसको अंदर जोड़ देता हूँ, मतलब अंदर फिट कर देता हूँ मैं इसको। यहाँ से आपको थोड़ी दिक्कत होगी क्योंकि पीछे ये एग्जॉस्ट फैन है, लेकिन आपको उन दोनों के बीच में से थोड़ा गैप है उसमें आपको ये फिट कर देना होगा। रुक जाइए, मैं कैमरा पॉज करके आपको दोनों से करके दिखाता हूँ। अब ये हो गया है, यहाँ पे देखिए मैंने फिक्स कर दिया है। अब इसका डस्ट कवर है वो भी यहाँ फिट करना है, और यहाँ पे इसको प्रेस ऐसे प्रेस करने से वो पीछे चला जाएगा और एग्जॉस्ट फैन आपका अंदर ठीक से आ जाएगा। रुक जाइए, ये देखिए ये हो गया है। अब मैं इस डस्ट कवर को यहाँ पे फिक्स कर देता हूँ। ये कवर फिक्स करने से पहले एक मिनट में निकल देगा आपको, यहाँ पे एग्जॉस्ट फैन भी स्टार्ट होगा वो भी। ये देखिए ये एग्जॉस्ट फैन स्टार्ट हो गया, अभी ये बंद, ये देखिए। अब आप आपकी गाड़ी आपकी लाइन ब्लैम ज़्यादा गर्म नहीं होगा आपके, लॉन्ग टाइम पर आप इसको ऑन रख सकते हैं। तो मैंने जैसे कि ये फिक्स कर दिया है, ये देखिए ये लाइट शुरू, ये देखिए ये शुरू हो गई। यहाँ पे तीन सेल है, तीन ऊपर और तीन नीचे, ये ऐसे में आप डिंपल भी कर सकते हैं, ये देखिए डिपर भी कर सकते हैं आप, ये देखिए ये तीन सेल बन चलो।
आई होप यू एंजॉय द वीडियो गाइस। अगर आपका कोई सुझाव है तो मुझे कमेंट में बताना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।